केस स्टडी में और जानते हैं कि एक्चुअली ये मैटर क्या हुआ। 2018 में जब हमारी रूलिंग पार्टी फॉर्म में आई तो उन्होंने ये एक्सक्यूज या ये रीजन देते हुए हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इम्प्लीमेंट किया था। इसकी इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, कोई भी चोरी से पैसा नहीं दे पाएगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। उसको बैंक के कुछ सिलेक्ट SBI के सिलेक्टेड ब्रांचेस के थ्रू जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिट करना होगा। उसके बाद वो बॉन्ड के थ्रू वो पैसा इनडायरेक्ट बैंक के से होते हुए उन पार्टीज तक पहुँचेगा। बट जब इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में आया उसके बाद ये देखा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को एक एनोनिमसली एक गलत तरीके से यूज होने लग गया। जो ट्रांसपेरेंसी पब्लिक में आए ये चीज दिखाते हुए वो बॉन्ड आया था बट वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि एनोनिमस होने की वजह से उस इलेक्टोरल बॉन्ड में ना तो कोई आइडेंटिटी थी ना ही कुछ था। तो पब्लिक और उस पार्टी को पैसे जाने में जो बीच में चीजें थी वो अधूरी रह जा रही थी। पब्लिक को उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि कौन सा बिजनेसमैन कौन सी पार्टी को कितना फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के पास होनी चाहिए उसका भी वॉयलेशन है। और इसीलिए 15 मार्च तक का स्टार्टिंग में 6 मार्च उसके बाद 15 मार्च तक की डेट एक्सटेंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे SBI को कि वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक करे, इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन उसे पब्लिक करे ताकि पब्लिक जान सके कि कौन सी पार्टी कितना पैसा ले रही है और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पब्लिक उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को कोई बेनिफिट पहुंचाने के लिए कोई पार्टी उनके फेवर में काम कर रही है। बट क्योंकि SBI ने 15 मार्च तक ये चीज़ें नहीं करी, उनने कोई अपने रीजन्स देते हुए अपनी कोर्ट की सुनवाई में अपने रीजंस देते हुए ये चीज़ बोले कि 15 मार्च तक वो ये चीज़ नहीं कर सकते, उन्होंने इस डेट को एक्सटेंड करने की मांग की। 13 मार्च तक का जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था वो निकल चुका था। उसके बाद में फिर जो SBI ने टाइम मांगा था एक्सटेंड करने का वो अपोज किया गया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि ADR। आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा, ये डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए पब्लिक के काम करते रहते हैं। तो ADR ने अपोज किया उस एक्सटेंडेड डेट को और जो और साथ के साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन भी डाली ADR ने SBI के अगेंस्ट कि SBI ने कोर्ट के बताए गए टाइम के अंडर वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने करने को कही थी। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सेक्शन 2 में कवर होता है, जहां पे उसकी डेफिनेशन बताई गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि जब कोई भी विलफुली डिसओबीडियंस करता है किसी भी कोर्ट की दी हुई डिक्री का, ऑर्डर का, जजमेंट का, डायरेक्शंस का या किसी अदर प्रोसेस का, या फिर विलफुली ब्रीच करता है अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट, तो उसे सिविल कंटेम्प्ट माना जाता है। तो ADR ने जो टाइम लिमिट दी गई थी SBI को उसी के अपोज करते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाला कि जो भी डिफाइंड टाइम था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके अंडर में ये काम उस टाइम पीरियड के अंडर में ये काम नहीं किया है SBI ने, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज भी SBI पे लगना चाहिए। ये सुनवाई अभी आगे भी चल रही है और इस केस स्टडी में जितने मेरे पास अभी तक मैंने स्टडी की थी आपके साथ शेयर करी। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।